सोलन के एलआर शिक्षण संस्थान में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एलआर शिक्षण संस्थान की चेयरमैन लोकेश भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल में बॉक्सिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए वह इस प्रतियोगिता को हिमाचल में आयोजित करना चाहते हैं ताकि युवाओं का आकर्षण बॉक्सिंग की तरफ हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मिल सके और इस खेल की बारीकियों को सीख सके। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था की छात्रा जो बॉक्सिंग में अपना भविष्य खोज रही है, उस छात्रा का सपना पूरा करने का हर संभव प्रयास उनका संस्थान करेगा। एलआर शिक्षण संस्थान की चेयरमैन लोकेश भारती ने बताया कि आजकल बच्चे मोबाइल में खोए रहते हैं और उन्होंने मैदान में जाकर खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए उनका संस्थान विद्यार्थियों को खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में मोनिका को बॉक्सिंग का खेल बेहद पसंद है और वह जिला और राज्य स्तर पर इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं और वह आगे खेलना चाहती हैं। इसीलिए उनके संस्थान ने निर्णय लिया है कि वह मोनिका का हर सपना पूर्ण करेंगे और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेलने का अवसर प्रदान करेंगे। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल में इस कदर बंद हो गए हैं कि उनको उस मोबाइल से बाहर निकालने के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सभी लोग स्पोर्ट्स के प्रति एक एक्स्ट्रा एफर्ट उठाएं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करें। तो उसी के तहत हमारी ये कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। ये बच्चा जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है और इसकी डिज़ायर है कि जब ये यहाँ एलआर आई थी तब इसे मालूम नहीं था कि हम बॉक्सिंग को प्रमोट करते हैं। व्हेन शी गॉट टू नो कि हम लोग बॉक्सिंग को प्रमोट करते हैं, शी वाज हाईली एक्साइटेड और इसने कहा कि मैम मैं भी खेलना चाहती हूँ, नॉट ओनली नेशनल एट ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल। तो हम लोग कोशिश करेंगे, बच्चे की मदद करेंगे, लेट्स सी क्या निकल के आता है। भगवान इसको कहाँ मदद करता है, कितनी मदद करता है, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एलआर पूरी कोशिश करेगा कि ये बच्चा सिर्फ हिमाचल ही नहीं हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे बाहर।